भोजपुरी अध्ययन केंद्र BHU के राहुल सभागार में भूगोल में स्थान और समाज विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसकी मुख्य वक्ता जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में भूगोल आचार्य प्रोफेसर तरुणा बंसल रही। अध्यक्षता केंद्र समन्वयक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने की। मुख्य वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर तरुणा बंसल ने कहा कि भूगोल में स्थान व समाज का बहुत महत्व होता है। कई बार स्थान समाज को प्रभावित करता है और समाज से प्रभावित भी होता है। प्रोफेसर बंसल ने आगे कहा कि भूगोल का मतलब महज नदी और नक्शा नहीं होता, उसका संबंध बेहतर पर्यावरण से भी होता है और आज के समय में भूगोल की चिंता में पर्यावरण को बचाना शामिल है। उन्होंने कहा कि स्थान को बदलना जरूरी है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि आज भूगोल का महत्व हर क्षेत्र में है। जनपदीयता में जिस भूमि, जन और उसकी संस्कृति की बात होती है, उसका भूगोल से गहरा रिश्ता है। खुद गांधी जी ने भूगोल के दायरे में पश्चिमी उपनिवेशवाद की आलोचना की थी और कहा था कि पूरी दुनिया को स्थान व समाज के विकास क्रम में पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए। एवरीथिंग बियॉन्ड मी, जो भी मेरे आगे है, एवरीथिंग, इवन एक सेंटीमीटर से भी दूर जो है वो मेरा एनवायरनमेंट है। मुझे छोड़कर सब कुछ मेरा एनवायरनमेंट है। सो एवरीथिंग बियॉन्ड मी इज माय एनवायरनमेंट। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ दिस एनवायरनमेंट, हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इन स्पेस एंड सोसाइटी इन ज्योग्राफी। बिकॉज अगर आप किसी को कहेंगे कि अच्छा आप ज्योग्राफी के टीचर हैं या आप ज्योग्राफी में PhD के लिए या पढ़ा रहे हैं, वो कहेगा अच्छा अच्छा आप तो वो मैप बना रहे होंगे, आपको सिटीज़ के सारे कंट्रीज़ के सारे कैपिटल आते हैं। नहीं, ये मतलब कॉमन, मेरी खुद की भतीजी भांजे मतलब मुझे, अच्छा भाई आपसे मैं पूछूँ आपको सारे कैपिटल आएंगे? मैं कह नहीं, तो मुझे नहीं आते। तो फिर आप ज्योग्राफी कैसे पढ़ते हो? अच्छा ये वाली नदी पता है कहाँ है? तो उनको ये समझाना कि ज्योग्राफी क्या है, नेचुरली वो छोटे बच्चे हैं उनको हम नहीं समझा सकते, बट हमें पता है कि ज्योग्राफी सिर्फ नदी या सिर्फ कंट्री की पढ़ाई नहीं। वी आर टॉकिंग ऑफ बिग ज्योग्राफिकल स्पेस, जो मैंने यहाँ पर बताया भी, विच कंटेन्स लॉट ऑफ नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स एंड इन सारे कॉम्पोनेंट। और इस सब्जेक्ट की खूबसूरती, जैसे सरकार मैंने बोला कि इस केंद्र की खूबसूरती से था मैं प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल हूँ। मैं भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय का समन्वयक हूँ। आज भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल सभागार में भूगोल में स्थान और समाज पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर तरुणा बंसल जी, जो जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में भूगोल विभाग के आचार्य पद पर आसीन हैं। असल में भोजपुरी अध्ययन केंद्र एक अंतर अनुशासनी केंद्र है, जिसमें विविध विषयों के लोग यहाँ पर शोधरत हैं। हमारे केंद्र में भूगोल विभाग से लेकर के, हिंदी विभाग से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर के तमाम विषयों के शोध छात्र हैं जो शोध कर रहे हैं। उन्हीं के लिए आज का यह विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भूगोल हमारा होता है उसमें स्थान का क्या महत्व है और समाज का क्या महत्व है। आप सब जानते हैं कि भोजपुरी रीजन एक जनपदीय क्षेत्र है और इसकी जनपदीयता में भूमि है, जन है और उसकी संस्कृति है। तो भूमि और जन दोनों से मिलकर के जो संस्कृति बनती है, वह संस्कृति हमारे समग्र भूगोल को कैसे प्रभावित करती है, इस व्याख्यान के माध्यम से हमें उसी को समझना है। और हमारे जो अन्य वक्ता हैं इस पर आज विस्तार से अपनी बात रखेंगे और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्थान और संस्कृत का, स्थान और समाज का आपसी रिश्ता भी क्या है और स्थान किस रूप में समाज को बदलता है और समाज किस रूप में स्थान को बदलता है। इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को आधुनिक ज्ञान से जोड़ना और उन्हें यह बताना कि दुनिया के जितने भी विषय हैं उनका कोई न कोई संबंध उनके अपने भूगोल से अवश्य है। इसलिए आप विकास की चाहे जितनी त्वरित प्रक्रिया से जुड़ें, लेकिन अपने भूगोल से कभी भी अपने को मुक्त न रखें, क्योंकि मौलिकता कहीं अन्य नहीं बल्कि भूगोल को समझने और जानने में ही होती है। इसी क्रम में
मुख्य अतिथि के स्वागत के अनंतर मंचासीन विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सरफराज आलम जी को उनके स्वागत के लिए मैं केंद्र के ही अभी अभी डॉक्टर उपाधि से विभूषित हुई हैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, उनको आमंत्रित करती हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग से उपस्थित प्रोफेसर सरफराज आलम जी का स्वागत अभिनंदन करें।